शर्मा शो। दोस्तों अभी अभी 26 जनवरी जो है निकल के गई, आप सब जानते हैं इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, अपना कानून लागू हुआ था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। अच्छा देख लो, देश में एक संविधान लागू होता है लेकिन पति पे सिर्फ बीवी का संविधान लागू होता है। मतलब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं आप सहमत होंगे, काफी मेरे दोस्त जो शादीशुदा है। अरे जो आदमी शादी से पहले बड़ा हेयर स्टाइल बना के जाता है ना अपने यंग डेज में, ये शादी के बाद वही अपनी बीवी की बची हुई डाई लगा रहा होता है आदमी। अरे आप देख लो, कभी शादी से पहले जितने भी यार दोस्त होते हैं एक दूसरे को फोन करते हैं, यार संडे को क्या कर रहा है, संडे को ना मनाली जा रहे ना यार, चलो चलते हैं, ये पूरा इंजॉय करते हैं। शादी के बाद आदमी को फोन करते हैं, संडे को क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं यार, वो छोटा नहीं सुमित वो स्कूटर की चाबी खा गया है, हाँ ऊपर से वो साला मेरा किसी को छेड़ाया था, उनके क्लेश पड़ा हुआ है, मैं कहाँ जाना, तुम लोग निकलो मनाली यार, मैंने क्या कहा। शादी से पहले आप देखो माँ के हाथ की बनी हुई भिंडी में भी कमी निकाल देता आदमी, शादी के बाद बीवी के हाथ गंदे करेले भी खा लेता चुपचाप, यही सोच के खा लेते भी चलो खून तो साफ कर रहे हैं ना, और खून भी बीवी साफ करा रही है, उनको पीना जो होता है। ओ, बड़ा मजा आ रहा है ना आपको, पति बड़ा खुश होते हैं बीवियों की बिराई हो तो। ऐसी बात नहीं है, औरतें बहुत मेहनत करती हैं, बच्चे पालती, घर संभालती, काम करती हैं, खबरदार जो ऐसे ऐसे तो। अच्छा आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने हमारे यहाँ पे दोस्त है मैरिड, जब मियाँ और बीवी साथ में बैठ के टीवी देख रहे हो, रिमोट पक्का बीवी के हाथ में होता है ना, आप उनकी मर्जी का सास बहू वाला चैनल चेंज करके देखो, आपकी मदर सिस्टर याद दिला देंगे आपको। ये तो हमारा ही शो है कि जब आता है तो जो रिमोट है वो टेबल पे पड़ा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अच्छा मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, किन किन आदमियों के ऊपर बीवी का संविधान लागू होता है, मतलब यहाँ पे काफी दोस्त मेरे मैरिड हैं, कोई अपनी विचार। जी कपिल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वाइफ की नहीं चलनी चाहिए, जो भी रूल्स हस्बैंड के चलने चाहिए, हस्बैंड के चलने चाहिए। पर ऐसा क्यों लगता है, मुझे तो लगता है बराबर का होना चाहिए, आदमी का भी औरत का, मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये क्या मतलब, एक्चुअली हम शॉप पे जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, इनके खर्चे उठाते हैं, उसके बाद रूल्स भी इनके चलेंगे। ये गलत बात है, आप उनसे प्यार करते हैं बहुत, तो आपको क्या लगता है आप अगर शॉप पे जाते हैं काम करते हैं तो वो आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ को पता वर्किंग वीमेन से ज्यादा काम होते हैं, तो ये गलत बात है खर्चे उठाते हैं। लेकिन फर्क है ना थोड़ा, हमारा जो काम होता है 12 घंटे खड़े होना होता है, खड़े होने की दुकान है आप खड़े मतलब दुकान पे बैठ नहीं सकते है कि... लेकिन जब भी टाइम मिले तब बैठ सकते हैं, मतलब सडनली ऐसे नहीं कि भाई मतलब लाइन लगी रहती है आपके बाहर, इनको तो कैसे चलो एटीएम में जॉब करते हैं आप जी। कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ पे जी, हमारा बिजनेस है जींस का होलसेल का, तो कस्टमर वगैरह कभी कभी सीजन रहता है तो कस्टमर वगैरह आते रहते हैं। किस चीज का बिजनेस, सॉरी जींस के होलसेल का है। ओके गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का। ओके हां ओके, मैं ये बोलना चाहती हूं, अभी तो 9 महीने हुए हैं शादी को, तो मेरी मदर इन लॉ ट्रेन कर रही है मुझे, अभी तो चलने दे रहे हैं इनकी। आपकी मम्मी ट्रेनिंग दे रही है, अब क्या करोगे अभी, क्योंकि उनकी वो तो आपको बचपन से जानती हैं। अभी दोनों बाजू धुलाई होने वाली है मेरी, अकेला पड़ जाऊंगा बस समझो अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपकी शादी को 9 महीने हुए, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब अभी तो लाइफ एंजॉय करें आप, बाकी भगवान खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। कपिल जी कितने साल हो गए? मुझे बीबी का रूल मानते हुए 41 साल हो गए। 41 साल? हाँ जी सर। क्या बात है सर, ऐसा है जी सर, हमारे माँ बाप ने हमको हिंदू धर्म सिखाया। अच्छा जी, हिंदू धर्म में क्या होता है जी, आपको ज्ञान चाहिए बोलो सरस्वती मैया की जय, बिल्कुल। आपको लक्ष्मी चाहिए बोलो लक्ष्मी मैया की जय, आपको शक्ति चाहिए बोलो काली मैया की जय जय, तो मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों की मैया की जय। क्या बात है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। एक्चुअली रूल्स एंड ऑल तो फाइन, कि घर पे तो बीवी का ऑफ कोर्स रूल्स चलेगी, मेरी शादी के अभी जस्ट 2 मंथ्स हुआ है, तो मैं अभी रूल्स सेट करने की प्रोसेस में हूँ। अच्छा आप इतनी मतलब प्लानिंग करती हैं कि अब मैंने 2 महीने में सेट करना है, अभी क्या सोच के रखा भाई साहब, क्या करने वाली हैं आप बताइए, आपकी क्या प्लानिंग है भाई साहब? द मेन ट्विस्ट इज दैट हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे बैठते हैं। तो आप काम करते हैं कि एक दूसरे को देखते रहते हैं? लोग काम किस लिए करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं कि भाई बहुत काम है ऑफिस में, बहुत देर रहना है, बट मेरे पास वो भी स्कोप नहीं है।
वहाँ पे मेरे रूल्स होती है, लंच ब्रेक में किसके साथ जाना है, शाम की टी मेरे साथ होने चाहिए, अगर मैं नहीं जा पाई तो किसी और के साथ ही कैन गो, मुझे तो काम उनको है जेल ही करवा दो आप इतना मस्त एक्चुअली भाई एक बात बताऊं आपको, कोई क्राइम व्राइम करके ना जेल में हो जाओ तभी आपको थोड़ा प्राइवेसी मिलेगी, नहीं तो ये तो एक्सेप्शनल केस है ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने पहली बार, पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, बहुत प्यारे आप, so much. खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ये वाला शो देखते रहिए. थैंक यू. आकाश रहा है वो आपके लायक जगह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, मैं फ्रूट मार्केट से आ रहा हूँ. तू फ्रूट मार्केट क्या करने गया था, तू चोर बाजार वाला आदमी, तू वहाँ पे क्या करने गया था है? देखो कपिल शर्मा बातें छोड़ो, देखो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूँ. क्या? ये आपने पढ़ा था ना बचपन में, ए फॉर एप्पल, ऐसा होता है. ऊपर वाले का शुक्र है इसको पता चला है. नहीं तो इसको पाइन एप्पल का भी नहीं पता. कल मेरे को बोल रहा था कि पाइन एप्पल सरनेम एप्पल है तो जरूर खून का रिश्ता होगा. जा यार. चलो खून का नहीं, जूस का रिश्ता तो है ना इनमें. फिर भी आप मेरी छोड़ो, हम तो शुरू से सेबों में रहते रहे हैं, हमारा तो रात को डिनर भी ड्राई फ्रूट्स का होता रहा है. मैं बताता हूँ कौन से ड्राई फ्रूट, यानी ठेले वाले से सड़े केले ले लेते हैं, उनको फिर 15 दिन और सुखाते हैं, फिर उसको काट के तो सारी फैमिली ड्राई फ्रूट खा रहे. वो नहीं होता ड्राई फ्रूट, बिल्कुल बादाम होते हैं. इनका पनीर खाने का दिल करे ना इनकी फैमिली का, तो अपने घर में वो सड़ी सी दाल बनी होती है वो देने आ जाते हैं, तो फिर कटोरी दे के दे देना दे. इनको पता है अंदर पनीर बना है, कटोरी में आएगा. और करते ना, और उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि बिना दूध के भी पनीर बन जाता है. मैंने देखा पनीर कैसा है, सोयाबीन को ना रात भर मनवाते रहे, कबूल कर मैं पनीर कबूल कर. और सुबह उठकर मटर पनीर बनाते हैं. मैं क्या, मटर तो नजर नहीं आ रहे, क्या ना सपोज किए हुए हैं. ये फ्रूट मार्केट गया हाँ. जाके ठेले वाले खड़ा हो गया, कहता चीकू कैसे दिए, उसने मुंह देखा कहता कुछ नहीं ऐसे दिए, चल निकल जा यार. ये भी मेरे साथ फ्रूट मार्केट के, मैंने कहा संतरे ले लो, कहते यार मेरा गला खराब है. मैंने कहा लीची ले लो, कहते यार मुझे सूट नहीं करती. मैंने कहा अंगूर ले लो, कहते मुझे एलर्जी है. फ्रूट वाले ने अंगूर इसके हाथ में दे दिए, कहते यार देख तो लो अंगूर होते कैसे हैं, बिना वजह एलर्जी बढ़ा रहे हो. झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ कभी गया ही नहीं फ्रूट मार्केट. मेरी फिल्म चल रही है, बाई वीकली शो, मेरे पास टाइम ही नहीं है. एक मिनट यार फोन आया. हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा, कपिल शर्मा के साथ टाइम ना वेस्ट करूं, आ रहा हूं मैं. चलो ठीक है, ओके आ गया, ओके बाय. और सुन मेरी बात, चलो चंदू. हाँ जी. फोन सुनने के लिए ना सिम कार्ड डालना होता है, वो डलवा ले. आज मैं जिनको यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं. आप सब इनको जानते हैं, इनकी आवाज को पहचानते हैं, सालों से बॉलीवुड में बड़े ही खूबसूरत गाने दे चुकी हैं, बड़ी बुलंद आवाज है इनकी, शेरनी की तरह गाती हैं, अभी आपको ये उसका सबूत भी देंगी. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच रिचा शर्मा, क्या बात है, जफ्फी पा दो फिर. मजा आ गया. मैं रिचा जी को रिचा दीदी कह के बुलाता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी. हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, धर्म पाजी थे, एक दो और एक्ट्रेसेस थी और मैं भी बैठा हुआ था. सडनली रिचा शर्मा आई, मैं इनको गाने मतलब बहुत सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने कहा हेलो, बड़ा खुश हो गए, कहती तो ये चली गई जाके अपनी सीट पे बैठ गई. अच्छा मुझे इतनी आग लगी, मैं कहा मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, टीवी पे मैं भी आता हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ थोड़ा. जब मैं गया, मैं इनके पास गया गुस्से में, मैंने कहा आपको पता मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आप इतनी स्माइल दे के आ गई हैं, तो कहती इधर बैठ, तेरी भी मैं बड़ी बड़ी फैन हूँ, बैठ जाए तो. जो तेरे साथ जो एक्ट्रेस बैठी ना वो नहीं मेरे को अच्छी लगती. मैंने नाम तो नहीं लिया. तो भाई बड़ी तेज मेमोरी, एटलीस्ट 4-5 साल हो गए इस बात को. बाकी सब इन्होंने सच बोला कि भाई ऐसे वैसे वैसे, लेकिन ये बात झूठ बोली कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये काम इनके. मैं तो बहुत इनसे ज्यादा मैं इनकी बड़ी फैन हूँ. सो स्वीट, वेलकम दीदी, विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां रिचा जी के लिए. ओके कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने, तुमने भी सोचा था 4 साल से कि रिचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी? मैंने सोचा था
पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान होगी फिर तो मुझे बता दो। काफी बार ट्राई किया आपको? बहुत बार किया। आप कभी बाहर होती है, अमेरिका होती है, कभी कहीं? हाँ, होती अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती हैं। विशेष दी आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं मतलब मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं करेगी। ज्यादा सूट करेगी, नहीं नहीं उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए, मैं ये सोचता हूँ। आप क्या, आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ, शेरनी है ये, दहाड़ती है स्टेज पे। आप सबको मैं बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना ऋचा जी ने गाया है, 15 मिनट का गाना है वो। तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या मतलब? तो एक्चुअली मैं, मेरा भी दिल कर रहा था कि ये रुके ही ना, ये गाती रहे, हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि आप गाती जाओ हम बीच में फिल्म डाल देंगे। तो वो 15 मिनट के गाने के पीछे क्या था? जब हम लोगों को बाबुल के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, तो जब मैं उनके लिए गाने के लिए गई तो उनका एक तरीका था कि वो मुझे एक बार गाना समझा देते थे, उनका अपना पार्ट अदा करके वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि ऋचा जस्ट फील द सॉन्ग, फील द सिचुएशन, बिकॉज इट वाज अ बैकग्राउंड स्कोर। मैं अपना बैठ के सीन समझ चुकी थी और मैं अपना गा रही थी। ऐसे गाते गाते 15-20 मिनट हो गए, जब मैंने आँख खोली थी वहाँ आदेश जी बैठे हुए थे, मैं आँख खोला तो वो भी आँखें पानी भरे हुआ था और मेरी आँखों में पानी, तो एक माहौल, एक अलग एम्बियंस बन गई। तो इस तरह वो एक बात चली आई कि 15 मिनट, वैसे 2.5 मिनट का ही फिल्म में दिखाया गया, फिल्म के अंदर 2.5 मिनट। अरे तो बॉलीवुड फिल्म में 15 मिनट तो हिरन के दो बच्चे हो जाते हैं। पर ये आपकी खासियत है, ये आपकी कला है, सलाम है उसको। थैंक यू। जी आपने तो पूरे, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मेरा ये जर्नी रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस अलग तरह की मैं कह सकती हूँ कि उनको मालूम है कि उनको मुझसे क्या सुनना है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उनकी पसंद का कुछ सुनाती हूँ, जैसे कि अभी सबने इतने प्यार से सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको अभी तक का बेस्ट मेमोरेबल कौन सा था जिसमें आपने मेरे साथ ड्यूट गाया था? एक्चुअली ऐसा हुआ था, हम लोग US में थे तो मैं भी वहाँ पे था, ऋचा जी का कॉन्सर्ट चल रहा था, इन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ पे और मैं डरा हुआ और मैंने बड़ा बसुरा गाया था। आई नो, आई रिमेम्बर। नहीं नहीं, डरे हुए थे ये सच है, क्योंकि मैं जब वो अपने मंच पे बैठ रहे हैं तो मुझे भी अनर्वस हो रही हूँ कि ये पता नहीं कौन सा पंच मार देंगे, क्या बोल देंगे, मैं जवाब, जबकि मैं भी बहुत शैतान हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ भाई उस्ताद लोग बैठे हैं, ऐसे इनको लगा कि म्यूजिक में मैं उस्ताद हूँ तो थोड़ा नर्वस, वाइस वर्सा, सेम सेम। बट जो गाया, ये झूठ है कि तुमने सुरीला नहीं गाया, तुमने बहुत सुंदर गाया। मैंने बाद में चेक किया, गड़बड़ था। नहीं नहीं, ऐसे तो फिर सही हो जाएगा तो ऋचा शर्मा और तुम्हारे में बराबरी हो जाएगी, मेरे बराबर थोड़ी ना होगी। वंस अगेन बिग बेइज्जती। आपको सबसे ज्यादा जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, मैंने देखा है ये बहुत गुस्से वाली भी हैं, डांट भी देती हैं। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, अमृतसर में आप आई थी जागरण पे एक। वो तो तुम मतलब बहुत 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 साल पुरानी, आप देख लो मैं आपका कितना पुराना फैन हूँ। ये तो तुम मुझे बताते आ रहे हो और मैं जानती भी हूँ, और मेरे ख्याल से पहली बार कपिल आपने मुझे वहीं सुना था। जी, तो वहाँ पे क्योंकि जागरण था, सारी रात लोग खड़े रहते हैं, तो पीछे 4-6 लौंडे लपाड़े थे, 2 काट मार के आए थे, तो इनको पता चल गया कि ये हुड़दंग कर रही हैं, और फिर जो इनके अंदर दुर्गा का रूप आया माइक पे, उनको दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे लोग आते, ऐसे आते जागरण में। ये थोड़ा ना, ये मतलब ये कपिल तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि ये थोड़ा मिर्च मसाला बंदे ने डालना ही है। सो मैं गुस्से वाली घर पे हूँ, स्टेज पे नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं, पर वो लोग गलत थे, आपने सही डांटा उनको, और इतने मैंने यही कहा डांटा, मैंने ये थोड़ी कहा तलवार लेके शीश उड़ा दी उनके, सर उड़ा दिए उनके, ऐसे थोड़ी कहा मैंने। पर वैसे जब आप लाइव कॉन्सर्ट में जाती हैं, हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा कौन से गाने की डिमांड आती है? सजदा, जो कि एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है, एक सुकून फीलिंग आती है, और वो मैंने भी एक वन टेक में किया था, तो मुझे भी उससे बड़ा लगाव है। तो आप इशारा तो मेरा समझ गई होंगी, फिर सीधे सीधे फरमाइश करें। मैं यहाँ पे कीकरन आई हूँ। इतने सालों का रियाज है आपका, माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल। पर आपने वैसे गाना कितनी उम्र में शुरू कर दिया था? मैं जब 8 साल की थी तब से ही मैं घर पे गाना स्टार्ट कर दिया था, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर तो वो थोड़ा सा पैसों का भी लालच, वो देते थे आंटियां मम्मियां चाचियां मासी 10-10 रुपए, फिर पैसे आने लग गए, तो फिर स्टेज पे जाना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे इनकरेजमेंट मिलती रही, लोगों को लगा मुझे कुछ काबिलियत है, तो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया डैडी से। तो जब आपके पापा भी गाते थे? वो ऐसे मतलब क्लासिकल सिंगर नहीं थे,
वो पुजारी थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, लोगों ने और बोला कि और तालीम क्लासिकल बेस्ड होना चाहिए, तो मुझे बहुत सॉरी कहना नहीं चाहिए पर मैं समझ नहीं आती थी उस उम्र में कि क्या सारे गामा पाता नहीं सब, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। पर धीरे धीरे जब उसको सीखना शुरू किया तो चस्का स्वाद, जैसे कि आजकल कपिल को आप देख रहे हैं रोज नई नई पिक्चर्स आ रही हैं, जिम का स्वाद लगा हुआ है ना। तो इसी मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि पिक्चर आ रही फिरंगी, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल सुपर। 3-4 साल पुरानी ही बात है, तो मैं हमेशा कपिल से जब भी फोन पे बात हुई मैं बोलती थी भाई तुमको गाना चाहिए, एक एल्बम करो, एक गाना करो, हम लोग मिलके एक गाना करते हैं। जनाब बहुत खुश होते थे। तो आज मेरे ख्याल से एक पीछे गाना भी, फिल्में भी गाया अपनी खुद की फिल्म में। जी जी, कमाल का गाया। अच्छा किसी की फिल्म नहीं थी, तुम्हारी खुद की एक्टिंग वाली फिल्म। अच्छा हाँ, उसमें भी गाया था। है ना, खुद आजकल इतने ऑफर में भूल जाता हूँ। Oh my God! वैसे ये बात सही है, एक्टर्स ही गा रहे हैं तो बेचारे सिंगर्स तो आजकल। ये क्या बात है? और क्या? कि आप मुझे ताना दे रही हैं, मैंने क्या किया है? तुम्हारे थ्रू कहीं और जा रहा है ये निशान। पर आजकल एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हो गया। हाँ, बहुत बुरा है ना। सीधा मुंह पे भेजती, मैं नहीं गाऊंगा आगे से। नहीं नहीं, तुम थोड़ा बहुत ठीक गा ले तो। आजकल तो एक सबसे बुरा लगता है ये जो ट्यूनर आ गए हैं, ये जो ट्यूनर लगा के किसी को भी सिंगर बनाया, ऐसे थोड़े थे। ऐसे कोई भी यार गाय और ट्यूनर लगा के सुरीला बन, ऐसे थोड़े। अब मतलब तुम्हारे को बता रही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब सुना किसी को रही, बेइज्जती मेरी लाइव कर रही है। आपको बता रही हूँ, सुना नहीं रही। अच्छा सीधा बता रही है, बता रही हूँ कैसे लोग करते ऐसे हैं। होता है एक्चुअली, होता है ऐसे। पर मैंने ट्यूनर नहीं लगाया था, मैंने खुद का गाया था, तभी इतना बुरा था। सोनी साहब, आप मेरी इज्जत को ध्यान में रख के लाइनें अपने हिसाब से काट दी जाए। नहीं, एडिट नहीं करना ये सच्चाई को, बट आई लव यू। आई लव यू टू। हमारे यहाँ पे बडाली ब्रदर्स आए थे। हाँ हाँ, वो एपिसोड मेरा फेवरेट था। मेरी बात भी हुई थी तुमसे। उन्होंने एक बात कही थी, कहते थे कि जो सिंगर और पहलवान होते हैं दोनों की डाइट एक जैसी होनी चाहिए। वो एक्चुअली खुद पहले कुछ मेरे को देख के क्या लगता है? मेरे इसलिए दिमाग में आया। अभी देख लो ये क्या गाते हैं, हम देखो ऐसा हम पाम ब्ला। तो क्योंकि वो कहते हैं कि गाने के लिए जान लगती है, आप लगाती भी हैं, दिखता है। जान बाहर आती, लगती नहीं है, बाहर आ जाती है भाई। नहीं होता है, मैंने देखा एक दो बार ये इन्होंने ऐसा ऊंचा सुर लगाया किडनी बाहर आई चम्मच से अंदर की। तो जैसे सिंगर्स बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये नहीं खाना और गरम नहीं खाना, ज्यादा ठंडा नहीं खाना, आप भी इतना इतनी कॉन्शियस है? नहीं, नहीं, ये कई बार ऐसा होता है हमारे सभी सोसाइटी में, जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वो कितना नाटक कर रही थी ना, मेरे को खट्टा लग जाएगा, मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरे बर्फ से ऐसा हो जाएगा। वैसे सच में होता है कई लोगों को। अच्छा, ये किसी किसी के जो गले होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, पहले से नोना बाबू चूना बाबू बना देते हैं। मैं तो बचपन से चल खा ये खा खा, बच्चे को ना मार मार के, ऐसे मेरा छोटा सा बेबी है ना, इसको मैंने पूरा हाथा कट्टा बनाया। हाँ, आपने अच्छे तरीके से खा पिला के पाला, मजा आला गला खराब हो जाए क्या बात? गला भी नहीं और कुछ भी खराब हो। दीदी आप काफी बॉलीवुड में तो आप गाने गाती हैं, लेकिन आप डिवोशनल सूफी गाने आपने काफी गाए। सडनली जब आपको प्रीतम दा ने बिल्लो रानी के लिए अप्रोच किया, वो आपने बड़ा डिफरेंट स्टाइल से गाया ना, वो तो पहले मुझे पता नहीं चला आपने गाया, वो आपने कुछ तो मोल्ड करके आवाज को गाया। एक्चुअली ऐसे गाना नहीं था, मैं माइक पे ऐसे ही खड़े होकर गुनगुना रही थी, क्योंकि एक डिस्कशन जावेद साहब का और प्रीतम का फोन पे कुछ चल रहा था, कुछ लिरिक्स को लेकर। तो मैं ऐसे नाक में ऐसे करने लगी, तो मैंने बोला कि इसका ऐसे ही करें क्या? तो ही सेड हाँ ऐसे ट्राई कीजिए, पूरा ऐसे गाएंगे। मैंने कहा हाँ ऐसे गाएंगे, तो ट्राई करो। सो ट्राई करने मजाक मजाक में मैंने हाँ ऐसा मैंने करके गा दिया और गाना हिट हो गया। बस वही एकदम से ना आप ना कहा करो वंस मोर, पता क्यों? एक तो मुफ्त में हम सुन रहे हैं, ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे मैं आप अपने आप ध्यान रखेंगे, आपका चिंता नहीं करनी। ले सिंगर बनवा लो, आवाज सुरीली करवा लो, हटा पुराना जैसा भी गला हो उसे मधुर बनवा लो, जब पॉप बोलो जैज बोलो भांगड़ा बोलो जोर से बोलो,
जय माता दी। हाय जय माता दी। रीचा जय माता दी। जय माता दी। कैसी है मेरी बच्ची? जीती रहे जीती रहे। अरे जितने लोग लिफ्ट में बैठकर ऊपर नहीं पहुंचते उतना ऊपर तो 2 सेकंड में ये सुर पहुंचा देती है। बोलो तार नंगी थी ना लेकिन आजकल झटके मटके कहां लगते, उम्र हो गई, जरा सा हिलू तो मोच आ जाती। अच्छा मोच ही नहीं बड़ी बात ये है रिचा दी, शूट थोड़ा सा डिले हो जाए तो मोच नहीं मूछ भी आ जाती इनके। आज तो झटका लगा ना, कल तो इनके पीछे कुत्ता लग गया था। I don't want to read it. जड़ी बूटी बेच रही हूँ, जड़ी बूटी। हाँ ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं है, मेरी जड़ी बूटी खाकर कोई भी सिंगर बन सकता है। एक्चुअली है ना बड़ा म्यूजिकल घराना है, इसके परनाना ना बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। हाँ बहुत बड़े, ट्रेजेडी हो गई थी हमारे परनाना के साथ ना, शहनाई बजा रहे थे तो किसी ने भोंपू पे हाथ रख दिया, परनाना फट गए। तो इसके नाना कम थोड़ी ना थे, सिद्धू जी के बैंड में थे वो। सिद्धू जी का कौन सा बैंड है? नहीं उनकी बारात में जो बैंड आया था उसमें थे, इसीलिए तो जिंदगी भर वो कहते रहे कि मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया, मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया। एक बार मैंने सिद्धू साहब से पूछ भी लिया, सिद्धू साहब सच? तो कहता नहीं गुरु मेरा बैंड तो मेरी बीवी बजाती है, ठोको ताली। ये जब सामने नाना हो सिद्धू जी ये घर से बातें बना के लाते हैं। वो बात भी तो बताया जान, कह रही थी नानी कि सिद्धू जी पढ़ के शेर बोलते हैं। अरे वो तो उनके ना सामने ये क्या है कुछ भी नाना। हाँ मेरे नाम पे बिल फाड़। हाँ मैंने कब कहा, मैंने कुछ नहीं कहा सोनी साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, ये लोग कुछ भी बोल, मेरे पास तो सबूत भी नहीं है कि मैंने कहा। जड़ी बूटी का सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ? कि ये काम करता है कि नहीं? कर एक मिनट बम्पर। आज तो कमाल ही हो गया, मतलब कपिल शर्मा ऋचा शर्मा, एक काम कीजिए अनुष्का शर्मा रोहित शर्मा ईशान शर्मा सब कुछ यहाँ पर एक शर्माओं की पार्टी हो जाए। कितनी फनी बात है ना। वैसे नमस्ते ऋचा जी। हाय नमस्ते। I'm bumper, रहती हूँ अपने दम पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सीरियसली? नहीं सच में आपके सारे गाने मैं बहुत लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। नहीं नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है, इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई। ऐसे ना मेरे जोक्स चलते रहते हैं थोड़े, लेकिन वैसे ये नहीं मैं आपके और भी गानों की फैन हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो मुझे डर लग रहा है। आप कमाल है बंपर जी। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मेरी जड़ी बूटी का तुम पर सिंगिंग का क्या असर हुआ? उसका मुझे अभी कुछ ठीक से पता नहीं, कोई ग्रैमी अवार्ड मिला नहीं मुझे अभी तक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पगली, पहले तू गा तो सही फिर देख ग्रैमी तेरे पास चल के आएगी। चल के आएगी? यस। तो ठीक है कोशिश कर लेते हैं। या इर्शाद मौका दीजिए। इर्शाद नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं नहीं कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, ये एक्चुअली मेरी बांसुरी मैं इसमें लाई थी। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। रुकिए अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा ओ ये क्या करिए, ये पुंतरू इसका नहीं है, ये चीज इसकी नहीं है, नहीं ये अलग है, ये अलग है। आई एम सॉरी मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना, क्या कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है, तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी, तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर आप मुझे सुर दीजिए और देखिए अगर ठीक ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ तो मैं एक एक सुर दो दो बार ले लूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। कंफ्यूज है बम्पर। तो मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर, ये तो गायकी आवाज है। हाँ तो यही मैंने आपसे कहा
कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी, अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या ये क्या है? भैंस की पूछ। अंबर तूने ये जड़ी बूटी खा के तूने ये रियाज किया है? इससे अच्छा तो गाड़ी के नीचे पैर दे देना, तेरा आलाप निकलता अच्छा सा। ये क्या गाय की आवाज निकाल रही है? अच्छा लगता है भैंस होकर गाय की आवाज निकालती है? गप्पू शर्मा, आपकी बात में पॉइंट तो है। ये नानी, क्या आपकी जड़ी बूटी का कोई खास असर हुआ नहीं मुझ पे? कहाँ है मेरी आवाज, कहाँ है गाय की? ऐसे कैसे नहीं हुआ? लेट मी चेक। ये बताओ, तुमने जड़ी बूटी किसके साथ ली थी? राजेश के साथ ली थी, पूरा दिन उसी के साथ थी तो उसके साथ ली। मोई मतलब पानी के साथ या दूध के साथ? ये नानी, दादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ, दूध के साथ, जलजीरे के साथ, जूस के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ली थी, पर मैंने जड़ी बूटी ली थी और अब तक मेरा सुरताल कुछ नहीं आया है। आएगा भी नहीं मोटी, तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। मैं नहीं पादी, कौन पादा? चल 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 चलो चल, मैं वापस रियाज करके आ रही हूँ। मैं रियाज करके आई। चल चल। आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया है। हाँ जी। तो वैसे आपने रहमान साहब के साथ इतना काम किया है। हाँ जी। वो जब किसी को बोलते हैं कि आई विल कॉल यू फॉर सॉन्ग तो बुलाते हैं? आपको बुलाएंगे जरूर, मुझे मालूम है उन्होंने आपको बोला कि आई विल कॉल यू। पर मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं तो फोन भी नहीं ऑफ करता। वेट बहुत कराते हैं वो। अच्छा, वेट बहुत करा, वो वेट कराते हैं। मैंने वेट भी कम कर लिया, आया नहीं फोन। रहमान सर, इफ यू आर लिसनिंग मी, जस्ट गिव मी मिस कॉल ओनली, आई मीन इट्स एनफ फॉर मी। मैं वो सेव करके स्क्रीनशॉट रखूंगा कि यार रहमान ने मुझे फोन किया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल मैन। अच्छा, आप जब फेमस हो जाते हैं तो अचानक से काफी जानकार निकल आते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके बिल्कुल। साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने सिर्फ शादी में इसलिए बुलाया हो कि चलो हमारा लेडी संगीत का खर्चा बच जाएगा? वो मैंने आपको बताया ना, मैं बचपन से बहुत ही फोकस्ड हूँ। तो वैसे कई रिश्तेदार तो हर तरह से फोकस्ड हूँ मैं, हर तरह से। तो मतलब पूरा ध्यान रखती हैं आप? मुझे मालूम है कहाँ पे पैसे नहीं लेने और कहाँ पे लेने। ये जो बने बनाए रिश्तेदार आ जाते हैं ना, अंकल आंटी चाचा मामा, तो उनको मालूम है मुझे कैसे फोकस करना है। ये बात सीखने वाली है आपसे। मैं आपको रिचा दीदी का एक और टैलेंट शेयर करना चाहता हूँ, इट्स सीक्रेट एक्चुअली। ये जब घर में कभी ऐसे बैठते हैं यार दोस्त, महफिल होती तो जरूर करते हैं, पर रिचा दी हमारे शो में सबको पता है कि लाइट शो है कुछ, वो जो आप कितनी सारी आवाजें निकालती हैं, नहीं ड्यू रिस्पेक्ट सब आर्टिस्ट की, नहीं टॉर्चर हो जाए दीदी। डिसरिस्पेक्ट तो मैं किसी आर्टिस्ट, चाहे कोई मुझे अच्छे भी नहीं लगते हूं, मैं ऐसा नहीं है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आवाजें मैंने अब निकालना छोड़ दिया है। बट एक दो है, मुझे उनका गाना बचपन से मैं सुनते आई, जैसे मुझे जसविंदर जी की आवाज बहुत पसंद है। जी जी, बचपन से जसविंदर जी का मैं बहुत फैन हूं, बहुत। और अच्छा, मैंने जागरण में उनको गुरु भी बनाया था। अच्छा। तो मैं उनको जागरण की अपनी गुरु भी मानती हूँ। बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल, एक्सप्रेशंस बड़े मजेदार है। कपिल इतना अच्छा गाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनियां आती हैं यहाँ पे। और कपिल की फेवरेट दीपिका पादुकोण है, मैं हमेशा देख। शर्मा गया, मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो आती है बेचारे ऐसी गाल करते रहते हैं, वो हीरोइन इनको पप्पी नहीं देती। इनके लिए तो वो एक को आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा दोस्ती वाला है। मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरा तो छोटा भाई है, तो मैं तो मेरे भाई को पप्पी अच्छे से दूंगी। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। दीपिका सीखो कुछ। God. Hello. Audience, present, band members, Kapisha Magnor. Sidhu ji ne aaj bhi bunk maar liya. Uff. Ab parent meeting ke liye inke bete ko bulana padega. Parents meeting ke liye bachon ko kaun bulata hai? तो इनसे मिलके क्या करूंगी मैं कपिल शर्मा? बच्चे बंक करते हैं तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, अब पेरेंट्स बंक करेंगे तो बच्चे को बुलाया जाएगा ना। इज एज सिंपल एज भैंस। देखिए भैंस बहुत सिंपल होती है, क्योंकि भैंस मेकअप नहीं करती है। अब भैंस मेकअप कर भी लेगी तो बकरी थोड़ी बन जाएगी भाई, बकरी बनने के लिए उसको रनिंग करनी पड़ेगी, है ना। सो कंक्लूजन इज दिस, कि इस भैंस पर हर भैंस बंक करते हैं। ओके ओके
हेलो रिचा जी, हेलो। इतनी सेक्सी टीचर। ओह माय गॉड, काश आप लड़का होती। एनीवेज, माय सेल्फ विद्यावती, मैं आपकी बहुत छोटी फैन हूँ। छोटी? लोग बड़े बोलते बड़ी फैन हो, आप छोटी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, छोटी उम्र में, आई एम जस्ट अ छोटू बेबी, आई एम जस्ट स्वीट 16, लेकिन मिजाज है मेरे रंगीन, और अगर कोई मिल जाए तो शाम को बन जाता है कॉफी का सीन। लेकिन अगर कोई बीच में बोले तो मैं कर देती हूँ खुलेआम उसकी तौहीन। ओ माय गॉड, बताइए जावेद अख्तर जिससे कम हो क्या मैं? नहीं ना, नहीं देखा। अच्छा भाई, तुम्हें बातों बात में पूछना ही भूल गई, क्या लेंगी आप, एल्बम या डुएट? जैसे आप बातें कर रही ना, ये आप एग्जिट लेंगी आपकी। अच्छा। प्रिंसिपल साहब, आवाज में दर्द तो है इनका? नहीं नहीं, आवाज में इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे? मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? ऐसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे सर? वेरी गुड। हेलो रिचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी। बिल्कुल बिल्कुल, रख लीजिए रख लीजिए, इनको तो कोई भी आता है रख के जाता है। दो मिनट आपसे बात करेंगे, आप भी तीन चार रख देंगे। तो विद्यावती, तुमने मेरे से प्लीज तमीज से बात किया करो। अच्छा, शट अप। ये बस ऐसे बात कर दी, क्या दिक्कत है, ऐसे करा करो ना। खैर, हेलो ऋचा जी, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। पहले तो, मैं पूछना चाहूंगी, आप हैं कौन, पहले ये बताइए। मैं बेसिकली आई एम प्रिंसिपल खुराना। आपका अंदाज इतना, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप, क्या करके रहे हैं आप दोनों? मेरा एक बाथरूम सिंगर्स का कोर्स मैं कर रहा हूं, मैम आई रियली नीड योर हेल्प। बाथरूम सिंगर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत, देखिए मशहूर सिंगर्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई पहचान नहीं है ना? बात है, इनको ले लीजिए। इनको क्यों ले लीजिए? अरे कहीं तो ले लो इनको, यहाँ बैठे बैठे बस बातें बातें बातें, मतलब आपकी फिल्म हो रही है जी, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या रोल है, मतलब अपने काम से काम रखे इंसान भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये दूसरों की फिल्म में इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों है आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, पर जस्ट प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है, पता है बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती ना, सेल्फी और मुंह बना लेती। क्यों ढूंढ रहे हो आप बाथरूम सिंगर, क्यों बनाना चाहते हो? See, I'll give you an explanation. आजकल सिंगर्स का अपना डिमांड है, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनका होता है जी हम आएंगे शो पे, हम पैसे भी लेंगे, फिर खाना भी दो, वैनिटी भी दो, इतना कौन करे सर। इसलिए मैंने बाथरूम सिंगर बुलाया, उनका क्या है, उनको एक तेल की शीशी, एक शैम्पू की शीशी पेमेंट हो गई, नहाते रहो खाते रहो। तो ये शो में कमाई कहाँ से होगी फिर? ये कमाई होगी, हम एंट्री फी रखेंगे सिर्फ 10,000 रुपए बस। बाथरूम जाने के लिए 2 रुपए लगते हैं? नहीं नहीं, 2 रुपए नहीं लेंगे, ना ना वो डिस्काउंट है, दूसरों की मेहनत का हम क्यों खाएं भाई, है ना। नहीं, हम बस खून पसीना और जुड़ा इसका खाते। वैसे ऋचा जी, हाँ, जैसे म्यूजिक में आपने एक अपना मकान बनाया है, ऐसे मैंने भी मलाड में रेंट पे अपना मकान बनाया है। ये हंसने की बात नहीं, ये सच बात है। मैं मकाम और मकान राइम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, आई एम अ लिरिसिस्ट आल्सो, मेरी राइमिंग अच्छी है। क्या क्या हैं आप? लिरिसिस्ट? इसका स्पेलिंग बताइए। LYRICIST, ये मत पूछिए सर, मेरे को वाकई आती है। खैर, तो ऋचा जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ ये जो बाथरूम सिंगर्स हैं, जो भी, इनके लिए हमारे पास कलेक्शन तो हो गया, बेसिकली बाथरूम का कलेक्शन नहीं है। तो आप मुझसे क्या हेल्प, कलेक्शन मांग रहे हैं या कि म्यूजिक की हेल्प मांग रहे हैं? बेसिकली क्या करना है, आप ना मुझे टाइल्स और थोड़ा सा एक वेस्टर्न कमोड डोनेट कर दो, बात खत्म। ओह आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है, आप इंडियन कमोड डोनेट करें मेरे को। सच में? लेकिन ये क्यों करेंगी तुम्हारे लिए इंतजाम? अरे गाती है, कमाती है भाई, बिल्कुल करना ही चाहिए। It's a charity, right? करना चाहिए। आप छोड़िए ऋचा जी, हम अब पैसे नहीं है, कैश नहीं, नो प्रॉब्लम, आप एक गाना गा दीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, हमने ऑडियंस में बैठ के पॉकेट मार लेनी लूंगा। बस चलिए मैम, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, सुपर। ऋचा जी, आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले सामने हैं, आप में से जो भी ऋचा जी के साथ बात करना चाहता है, उनसे कुछ पूछना चाहता है, आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी हेलो कपिल जी। हेलो। हाय ऋचा जी। हाय। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं भी एक बाथरूम सिंगर हूँ,
एंड मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊं. अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो. जी जी, प्लीज 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 कम. अच्छा, ये सरप्राइज था आपके लिए, ये आपकी फैन है. पर देखो, मैंने such a lovely, lovely, lovely surprise. Thank you, darling. Thank you. अभी सरप्राइज खुल ही गया है, तो ये जैस्मिन है. जी, आप में से जो भी रिचा जी के साथ बात करना चाहते हैं, आप यू कैन रेज योर हैंड. आप दोनों जुड़वाएं, बात भी साथ ही करते, बात इकट्ठे करते हैं, बाथरूम वगैरह करते हैं इकट्ठा. जी परम, रिचा मैम की बहुत बड़े फैन है जी, और हम अपने गाना गा के इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं. सुनना चाहेंगे रिचा जी आप? बिल्कुल. आ सकते हैं उधर? उधर सुर नहीं पकड़ते आप? आइए आइए. अच्छा, टी शर्ट भी दोनों सेम, क्या बात है यार. वेरी गुड, वेलकम वेलकम. चश्मे भी सेम, मूछों की लेंथ भी सेम. कपिल सर. हाँ जी सर. मुझे भी आना सर. हाँ जी मुझे भी आना सर. लंगर लगाए. आइए आइए. जी आप. हाँ ये झूल झूल के बात करते हैं. हेलो झूले लाल मैम, इसमें झूला आपके लिए है ना. सिर्फ ऋचा जी के लिए, हम सब बाहर जाएं. सबके लिए, सबके लिए. अच्छा, सबके लिए. इसमें झूठी अच्छा लगता है. पर थैंक यू ब्रदर, आपको देख के आपका स्टाइल मजा आया. थैंक यू सो मच. प्रिया साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आइए आप जी. आप जैसे मैडम सिंगल हैं और मैं भी सिंगल हूँ. आप सिंगल नहीं, आप लेट हैं, बहुत ज्यादा लेट. एक मिनट, आपको वैसे एक जगह टिक के बात कर सकते हैं वैसे आप? अगर आपको कहे कि बिना हिलेगा, बिना, मैं आपको प्रोफाइल देता हूँ. आप एक काम करिए, आप इधर खड़े हो जाइए, और अगर आपका पैर हिला वहाँ पे गाना बंद हो जाएगा. ठीक है, यहीं खड़े खड़े आपने गाना, मैडम भी आपको देख रही है, जनता भी आपको देख रही है. ठीक है, मेरे दिल में एक ही गुनगुनाहट हो रही है. क्या जी, और कोई मेरे दोस्त जो ऋचा जी से बात करना चाहते हैं? जी जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो ऋचा मैम. हेलो, मेरा नाम किशोर ठाकुर है, मैं जलगांव से आयो. सर, मैडम का आवाज बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत प्यारा और बहुत बुलंद आवाज है. पर लोगों को पता नहीं होगा, मैडम डांस भी अच्छा करते हैं, और उनका एक एल्बम आया था मैडम का रंगीली करके, तो उसके गाने पे हमको डांस करना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को. रंगीली में? हाँ, आपने डांस तो किया था आपके वीडियो में. और कोई मेरे दोस्त? जी. हेलो कपिल. हेलो रिचा मैम. माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहल. मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ. अभी आपने बताया कि आप दोनों ने एक जुगलबंदी गाई थी US में. जुगलबंदी तो नहीं, तो हम लोग, हाँ, मतलब गाना, मैं वो आम जनता की नजर में वो जुगलबंदी, सही बात है, हम जरूर सुनना चाहेंगे. यस कपिल इतना अच्छा गाते हैं ये गाना, तो मैं चाहूंगी कि वो स्टार्ट करें, मैं बीच में आलाप लगाती हूँ. हो जाए? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates